अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। क्या हुआ भाई का? भाई की वो तो नेगेटिव आ गई थी इंडिया वाली, अभी इथियोपिया में टेस्ट हुआ है उसका, फिर से तब से बात नहीं हुई है। अच्छा, मतलब फ्लाइट में बैठ गया? हाँ, फ्लाइट में इंडिया से इथियोपिया तो पहुंच गया था, इथियोपिया में दोबारा टेस्ट होना था। तो उसको बोल यहीं से भेज देते काली मिर्च का पानी बना के, रास्ते में चेक होना तो बता देते, फिर रास्ते भर चेक होना तो एक थर्मस पानी भर के दे देती, सॉफ्ट का पाउडर दे देती, लगा रहता अपना। यहाँ से तेल डाल दिया था फिर से रात को उसको। ठीक है, चलो। और कब पहुँचेगा? मेरे ख्याल से तो अभी 2-3 दिन बताऊंगी मैं आपको ना, जैसे मुझसे बात होगी उसकी। हाँ, तो पहुँच ही होगा, वहाँ भी निगेटिव आ गया होगा, नहीं तो कौन सा थोपिया में रुकता तो फोन तो आ ही जाता। हाँ भाई, होगी चिकित्सा क्रांति, दे साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार का। निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर तुल्य है। पाचन तंत्र के अंगों उपांगों शरीर के जोड़ों को हो बचाना तो कभी ना पिए पानी खड़े होकर, और ना ही पिए अति शीतल पानी। पिए शौच से पहले गुनगुना पानी और पिए घूट घूट कर पानी। करें भोजन सुखासन में और कर भोजन बैठें वज्रासन में। कह गए अनमोल निरोगी मंत्र भाई राजीव दीक्षित जी अपनी वाणी में। स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण प्रयास हमारा, सहयोग आशीर्वाद अनुभव आप सबका। स्वस्थ समृद्ध परिवार व स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत की ओर एक पहल।